शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बतलाऊंगी कि पाप मोचनी एकादशी कब है, पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, पारण का समय क्या है और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी पर भूल कर भी क्या ना करें। बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को आती है, जो कि इस बार 28 मार्च सोमवार की है। बंधुओं, वैसे एकादशी तिथि 27 मार्च रविवार को शाम को 6:04 पर शुरू हो जाएगी, जो कि 28 मार्च दिन सोमवार को शाम 4:15 तक रहेगी, परंतु व्रत उदय तिथि होने के कारण 28 मार्च सोमवार को ही रखा जाएगा। बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी की प्रातः सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। सिद्ध योग शाम को 5:40 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:16 से दोपहर 12:24 तक है। ये दोनों ही योग कार्यों को सिद्ध करने वाले, सफलता दिलाने वाले हैं। बंधुओं, इसलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा प्रातः काल ही करें। बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण समय 29 मार्च सुबह 6:15 से सुबह 8:43 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 2:38 पर होगा। बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है? पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति से जाने अनजाने में बहुत से पाप होते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मनुष्य के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य भी पाप मोचनी एकादशी व्रत करते हैं और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, बंधुओं, भगवान विष्णु उन सभी मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष भी प्रदान करते हैं। जो कोई भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, यूं तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है, सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बताइए। यह भी बताइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, वही प्रश्न एक दिन महाराज मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई, वह मैं तुमसे सुनाता हूँ। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्र रथ था।
उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को, धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत और दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार, नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार न रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको आए हुए यहाँ पर कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमन करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास 3 दिन बीत गए। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरे कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है, अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, वैसे तो मास में आने वाली दोनों एकादशियां और साल में आने वाली 24 एकादशियों का सभी का बहुत अधिक महत्व है,
परंतु बंधुओं, पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्ति प्रदायिनी पाप मोचनी एकादशी की महिमा अनंत है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही फल एक बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से 10,000 पीढ़ियां उस मनुष्य की स्वर्ग में जाती है जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, और उन्हें नरक के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी से भगवान की पूजा करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान को पुष्प, फल, अगर, धूप, दीप आदि अर्पित करें। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ दें। ऐसा करने से समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें और कथा को सुने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।